चलिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जानते हैं होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है कि अगर हमें किसी पॉइंट के इवेंट के कोऑर्डिनेट्स किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में पता हो और उसे हम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकें या उन दोनों के बीच में रिलेशन बता सकें, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। What is transformation equation? What is transformation equation? Answer iska the transformation equations are used to transform the coordinates of position and time from one inertial frame to other. There are two type of transformation equation. Ya likh sakte hain, transformation equation are of two type, Galilean transformation equation and Laurent transformation equation. Galilean transformation equation and Laurent transformation equation. गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होती हैं, जैसा हम पढ़ के आ रहे थे तभी वेलोसिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन पोजीशन की पॉइंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें आता है, क्योंकि ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच होती है, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो जाता है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ते हैं हाई वेलोसिटी के लिए। जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हाई वेलोसिटी एज वेल एज लो वेलोसिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो अभी हम आज गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का फेलियर देखेंगे माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में, देन हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्वेश्चन बनता है, ड्राइव गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड शो दैट वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझेंगे, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसमें वेलोसिटी को वेरिएंट और एक्सेलरेशन को इनवेरिएंट शो करेंगे। वेरिएंट मींस चेंज हो रही है, एक्सेलेशन मीन्स इनवेरिएंट मीन्स चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें कई तरीके से कि शो दैट दिस इक्वेशन इज वेरिएंट या इनवेरिएंट अंडर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वेरिएंट का मीन्स है कि वो चेंज हो रही है, जैसी इस फ्रेम में है वैसी इक्वेशन वो दूसरे फ्रेम में नहीं लग रही है, चेंज होती हुई दिख रही है। इनवेरिएंट मीन्स दोनों फ्रेम में जो देखने में इक्वेशन है वो सेम हो रही है। ठीक है, पहले गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करते हैं। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए समझिए, पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमेशा हमें यही करना है, टू फ्रेम कंसीडर करने हैं, एक एस फ्रेम कंसीडर करना है, एक एस डैश फ्रेम कंसीडर करना है। जो फ्रेम एस है हमारा, हमेशा हम नॉर्मली रेस्ट में रखते हैं, और फ्रेम एस डैश को हम मूव कराते हैं वी वेलोसिटी से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं है खाली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा, वाई भी कराएंगे, जेड भी कराएंगे और तीनों डायरेक्शन में भी मूव कराएंगे, लेकिन जो हम डेरिवेशन करेंगे वो सारे हम सिर्फ सिंपल सिटी के लिए एक ही डायरेक्शन वाला करेंगे, बाकी समझेंगे बट जब डेरिवेशन की बात आएगी करने की वो सिर्फ हम एक डायरेक्शन वाला करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। मैं बोल रही हूँ मैं एस को रेस्ट में रखूंगी, एस डैश को मूव कराऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं कि एस डैश को रेस्ट में रखें और एस को मूव कराएं, ऐसा भी कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो नोटेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी हम सेम नोटेशन लेके चल रहे हैं, तो यही लेके चल रहे हैं कि एस फ्रेम को रेस्ट में लेके चल रहे हैं और एस डैश को हम मूव कराएंगे वी वेलोसिटी से। इसको आप समझने के लिए सेम वही है
ट्रेन प्लेटफॉर्म के टर्म्स में समझना है कि हमारा फ्रेम जो एस है वो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारी ट्रेन है वो हमारा एस डैश फ्रेम है, ठीक है। इनिशियली दोनों रेस्ट में हैं और दोनों का जो ओरिजिन है वो कॉन्साइड कर रहा है, और जो दोनों के ऑब्जर्वर हैं वो भी पास पास में हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म का एंड है और जो ट्रेन का एंड है, दोनों एक ही जगह है। हमारा पैसेंजर है पी, जो ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन एस डैश फ्रेम है, इनिशियली रेस्ट में है, पैसेंजर भी रेस्ट में है। पैसेंजर कह लीजिए या पी पॉइंट कह लीजिए, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड टी, ये विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस यानी कि प्लेटफॉर्म है जो रेस्ट में है। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश है जो मूव करेगा। अभी इनिशियली रेस्ट में है लेकिन क्या है, ये मूव करना है। ट्रेन हमारी रेस्ट में नहीं रहेगी, मूव करेगी। तो पैसेंजर की पोजीशन फ्रेम एस और एस डैश के रिस्पेक्ट में हमें पता है। इनिशियली दोनों के केस में जो ये वैल्यू है ये सेम है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स है, वाई डैश इक्वल टू वाई है, जेड डैश इक्वल टू जेड है, टी डैश टाइम इनिशियली जीरो, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ ट्रेन के चलने का, ठीक है, जीरो है। अब ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया कांस्टेंट वेलोसिटी वी से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या होगा, जो उसमें पैसेंजर बैठा होगा ट्रेन के साथ साथ वो भी मूव होगा, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, लेकिन एस डैश के कंपैरिजन में वो फिक्स्ड है। क्योंकि अभी हम फर्स्ट पैसेंजर ये मूव नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ हम फ्रेम एस डैश को मूव। आफ्टर टी टाइम क्या होगा कि ये जो P पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, लेकिन S डैश के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर T टाइम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले इतना जितना समझा है इसको लिख लेते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लेटेस्ट कंसीड गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखा है ना क्वेश्चन, हाँ लिखिए, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर अप्लाइड ओनली वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, या हम ये भी बोल सकते हैं सिंपल कि लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होता है। Is negligible, moving frame is negligible in comparison to speed of light. Consider two inertial frame S and S dash. As it is rest and S dash is moving with constant velocity V with respect to S in positive X direction. Let two observer O and O dash observing the event at point P from S and S dash simultaneously. Let the origin of S and S dash coincide initially. Let the coordinate of point P with respect to O and O dash are X, Y, Z, T and x dash, y dash, z dash, t dash respectively. Initially, अब आप ये डायग्राम भी बना लीजिए और इनिशियली जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं वो भी लिख लीजिए। x dash equal to x है, y dash equal to y है, z dash equal to z है and t dash equal to t equal to zero है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम है, वाई में भी चेंज सेम है, और अगर हम जेड की बात करें तो जेड में भी डिस्टेंस दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम है। तो इनिशियली एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो।
तो अगर किसी को डाउट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं इतने। है ऐसा कोई कि जितना ये बताया यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, नो मैम, नो डाउट। चलिए तो ये बना लीजिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है, यानी कि जो हमारी ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो ट्रेन जब मूव करेगी तो हमारा पैसेंजर भी मूव करेगा, तो क्या होगा, ट्रेन के साथ साथ हमारा पैसेंजर भी मूव होने लगा। आफ्टर सम टाइम, लिखिए साथ साथ, आफ्टर सम टाइम, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन फ्रेम एस डैश हैज ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, अब आप ही बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए पहले क्या था, ये दोनों जो ओरिजिन थे कॉन्साइड कर रहे थे, तो एक्स जो है यहीं से था दोनों का। अब हमारा क्या है, फ्रेम एस डैश मूव होना स्टार्ट हुआ एक्सेलरेशन में, तो एक्स में शिफ्टिंग शुरू हो गई है। ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, जो वी टी है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में वो हाँ वी टी होगी। ठीक है, तो वी टी डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है अभी फिलहाल फिक्स ही दिख रही है, एक्स डैश है। फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बट एक्स है, क्योंकि नोटेशन तो हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं ना, 6, 7, 8 हम तो वेरिएबल ही ले रहे हैं। तो एक्स डैश ये फिक्स वैल्यू है फिलहाल अभी जो दिख रहा है, कि क्योंकि ये स्टेशनरी दिख रहा है हमें यहाँ पे अभी, और ये कंटिन्यूसली चेंज होती हुई वैल्यू दिख रही है। तो इस डायग्राम से, इस फिगर से क्या हम एक्स और एक्स डैश में रिलेशन निकाल सकते हैं आफ्टर टी टाइम? एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में वाई कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है। जेड डैश डायरेक्शन में जेड, और दोनों फ्रेम के लिए अभी हम, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टाइम को एब्सोल्यूट कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ट्रेन सेम टाइम पे चली है, चाहे वो ऑब्जर्वर ओ हो चाहे ऑब्जर्वर ओ डैश हो। तो दीज फोर इक्वेशंस आर नोन एज गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमने लिख लिया था सम डिस्टेंस वी टी इन टाइम टी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डन। तो इसके बाद लिखिएगा दीज इक्वेशंस आर नोन एज गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दीज इक्वेशंस आर नोन एज गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इनवर्स गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख लेते हैं। नॉर्मली क्या आ रहा था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी, ये हमारी आ रही थी। ठीक है, तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अभी अगर इसको देख के बात करें तो देख के इस ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, और t इक्वल टू टी डैश होता है, तो t इक्वेशन आर x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, y इक्वल टू y, z इक्वल y डैश एंड z इक्वल टू z डैश एंड t इक्वल टू t डैश। लेकिन हमें इसे ऐसे याद नहीं करना, मतलब देख के इसको रिवर्स हमने अभी उठा के रख दिया यहाँ पे तो चल जाएगा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, लेकिन जब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या तो रिवर्स प्रोसेस करो, कि अभी आपने पहले एस डैश को मूव कराया, अब की बार एस को मूव कराओ तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, या रिवर्स देख के कर फिर सॉल्व करो, है ना। लेकिन या फिर क्या करो, इस कंसेप्ट को समझो, क्या करते हैं जब हम इनवर्स लिखते हैं तो जो हमारा
डैश वाला या प्राइम बोल लीजिए, डैश बोल लीजिए, जो डैश वाला टर्म है इसको हम अनडैश बना देते हैं। तो एक्स डैश की जगह हमने एक्स लिख दिया। जो हमारा ये अनडैश वाली टर्म है इसको हम डैश बना देते हैं, तो एक्स डैश हो गया और टी डैश हो गया। वेलोसिटी क्योंकि फ्रेम की वेलोसिटी है तो वी की जगह माइनस वी ले लिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रेम चल रहा है, ऐसे कंसीडर कर लिया कि एक्स डैश मूव करने लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसी फ्रेम मतलब एक्स डैश से दूर जा रहा है ना, तो यानी कि वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रेन में जब हम जाते हैं आपने ऐसे देखा होगा ना, कई बार पेड़ हमें पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, ठीक है, जब ट्रेन आगे जा रही होती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो या तो ये मान लीजिए ट्रेन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, या हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा स्टेशनरी चीज है वो माइनस वी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो वी इक्वल टू माइनस वी ले लिया। ये वैल्यूज इसमें रखिए, तो एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इक्वल टू वाई डैश, सेम यही है कि प्राइम को अनप्राइम बनाया, अनप्राइम को प्राइम बना दिया, वाई डैश इक्वल टू को वाई डैश को हमने वाई लिख दिया, वाई की जगह वाई डैश। तो हम इनवर्स लॉरेंट गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। यहां तक किसी को दिक्कत? अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कराया। अभी अगर हम इसी फ्रेम को वाई डायरेक्शन में मूव कराने लगे, देख लेते हैं एक बार कि वाई में होगा तो क्या होगा। y में मूव होगा तो क्या हो रहा है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है ना कि y डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो y डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा, x फिक्स हो गया, y में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं उसमें हमें x में चेंज होता दिख रहा था, अब अगर हम निकालेंगे तब हमें किसमें चेंज होता दिखेगा, वाई में चेंज होता दिखेगा। हाँ, और अगर यही मोशन में जेड डायरेक्शन में कराती तब मुझे जेड चेंज होता डायरेक्शन में दिखेगा। और हाँ, और अगर मैंने ऐसा केस ले लिया जैसे ये वाला केस मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने वी वेलोसिटी इस तरीके से ली है कि एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे मानिए कि जो हमारी वेलोसिटी वी है उसमें x का भी कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में भी मूव हो रही है वेलोसिटी, y में भी चेंज हो रहा है और z में भी चेंज हो रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी। तो v हमारा किस तरीके की है कि v x i भी है i डायरेक्शन में, यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और z डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो उस केस में जो हमारा पोजिशन है, पोजिशन का जो चेंज है x डैश, वो हमें दिखाई देगा x माइनस वी एक्स टी, y डैश हमें दिखाई देगा y माइनस वी वाई टी, z डैश हमें दिखाई देगा z माइनस वी जेड टी। इन इक्वेशंस में कोई दिक्कत? क्या कहा मैंने कि हमने वेलोसिटी ऐसी ले ली कि जो हमारा फ्रेम है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होंगे, तो जो पोजीशन की चेंज हो रहा है वो तीनों डायरेक्शन में चेंज होगा। जैसे हमारा प्लेन एरोप्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है। तो अगर तीनों डायरेक्शन में कब हो रहा है, जब उसकी वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में है, तो ठीक है। और अगर हम इन तीनों को कंबाइंड कर दें x डैश y डैश z डैश को, तो हम इसको r की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वेक्टर की टर्म्स में, कि r डैश वेक्टर इक्वल टू r माइनस v t। अब इसमें तीनों कंबाइंड हो गए, ठीक है। अगर x डैश है तो x हो जाएगा, y है तो y होगा, तीनों है तो तीनों होगा, तीनों को कंपोनेंट में लिख दोगे, x x i प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू डैश की टर्म्स में और अनडैश की टर्म्स में, है ना। तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, बट जब हम ड्राइव करते हैं तो हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं, हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन दिखा रहे हैं।
यहाँ तक किसी को दिक्कत अभी जो बताया है? नहीं, चलिए तो अब इसको आगे कंटिन्यू, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या कहा, हमने सिर्फ पी पॉइंट को स्टेशनरी रखा था, पी पॉइंट को मूव नहीं कराया था किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा ट्रेन के अंदर पैसेंजर है वो फिक्स है, वो मूव कर सकता है, ट्रेन में दौड़ भी सकता है किसी भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, हो सकता है जंप ही कर रहा हो या ऐसे ऐसे भाग रहा हो, वो जो आपका कंपार्टमेंट है, तो तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारा पी पॉइंट जो है ये मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, यू डैश वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। U और U डैश में तीनों डायरेक्शन कंबाइंड हो गई, X, Y, Z तीनों। तो U का मतलब क्या हो गया, U X डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, U Y में भी चेंज हो रहा है, U Z में भी चेंज हो रहा है। U X डैश का मतलब U X डैश I प्लस U Y डैश J प्लस U Z डैश K, ठीक है? तो यानी तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो लिखना स्टार्ट करिए इसको, या स्क्रीन चेंज कर देती हूँ मैं, है ना, तो क्लियर रहेगा। यस मैम। ठीक है, इसके अंदर मैं जो है ज्यादा चीजें नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। सिर्फ क्या कह रहे हैं, एक एस डैश फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, और जो एस डैश फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो हमारा पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे मैं, ठीक है, वो यू और यू डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस एंड एस डैश। यू डैश की कोऑर्डिनेट यू वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में ले लेते हैं, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के, यू डैश की टर्म्स में। तो याद रखना है जो डैश वाले कोऑर्डिनेट हैं वो डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, जो अनडैश कोऑर्डिनेट्स हैं वो अनडैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। यू इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के, ठीक है। यू एक्स डैश का मतलब एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जेड डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक पार्ट हो चुका है, हमें गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इनवर्स निकालना था वो हो चुका है। अब उसका जो सेकंड पार्ट है हमारा कि शो दैट वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हम वो कर रहे हैं अब, ठीक है। तो गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, Z डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी किसकी, P पॉइंट की। तो क्या करेंगे, हमें dx डैश अपॉन dt चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो जो हमारी ये इक्वेशंस हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर विद रिस्पेक्ट टू टी, हाँ, और टी इक्वल टू टी डैश है। तो जब हम इसको यहाँ पे डी टी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश करेंगे, टी करेंगे तो टी की जगह टी टी डैश लिख देंगे, है ना। तो डिफरेंशिएट किया हमने यहाँ पे, तो dx
डैश अपॉन डी टी, और डी टी की जगह हम, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, डी टी डैश कर सकते हैं क्योंकि टी डैश इक्वल टू टी है, तो जहां पे भी टी होगा वहां पे हम उसकी जगह टी डैश कर सकते हैं, अनडैश के साथ अनडैश लेते हैं और डैश के साथ डैश वाला लेते हैं, इसलिए इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस वाली टर्म की बात करते हैं, माइनस v कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सिर्फ t का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्योंकि जीरो होता है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, दो फंक्शन हो जाते नहीं तो फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करते एक बार इसको, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो माइनस v, और dx अपॉन dt डैश का मतलब क्या हो गया, ux डैश अपॉन ux माइनस v। इक्वेशन 5, ऐसे ही इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, dy डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू dy अपॉन dt, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, uy डैश इक्वल टू uy। इक्वेशन 6, ऐसे ही इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड। इक्वेशन 7, इसमें क्या चीज देख रहे हो, क्योंकि हमारा जो फ्रेम एस था, एस डैश है, एस डैश क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होते हुए दिख रहे हैं, है ना, y और z के जो वेलोसिटी कंपोनेंट है दोनों के लिए सेम है। अगर ये फ्रेम y डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, जब y डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा होता तो सिर्फ y में चेंज होता हुआ दिखता, और z में अगर मूव कर रहा होता तो उस केस में हमें z में चेंज होता हुआ दिखता, और तीनों डायरेक्शन में ये फ्रेम अगर मूव करने लगता तो उस केस में हमें ये तीनों कंपोनेंट चेंज होते हुए दिखते, ठीक है, 5 इक्वेशन में भी चेंज दिखता, 6 में भी दिखता और 7 में भी दिखता। अभी सिर्फ हमें किस में दिख रहा है, इक्वेशन 5 में चेंज दिख रहा है, बाकी दोनों फ्रेम के लिए जो वेलोसिटी है उस पॉइंट की या पैसेंजर की वो सेम है बाकी डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी is variant under Galilean transformation equation equal to vxi vyj plus vzk होता, मतलब तीनों direction में change होता, तो उस case में हम क्या करते हैं, vx लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ side में करके दिखा देती हूँ, है ना, ux dash equal to क्या हो जाता, ux minus vx, uy डैश इक्वल टू हो जाता uy माइनस vy, uz डैश इक्वल टू हो जाता uz माइनस vz, ठीक है, जब तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होती, बट अभी क्या है, सिर्फ वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो ux डैश इक्वल टू ux माइनस v, तो v लेके चल रहे हैं इसको, द वेलोसिटीज, the velocity is variant under Galilean transformation equation, velocity आ गई, acceleration चाहिए तो क्या करेंगे, दोबारा से इसको differentiate करेंगे, किसको, इक्वेशन 5 को अगेन डिफरेंशिएट, इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 5 के डिफरेंशिएशन देखिए, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी होता टी टी डैश, क्योंकि टी इक्वल टू टी डैश है, डी यू एक्स अपॉन डी टी, अब वेलोसिटी है कांस्टेंट है जीरो, तो यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू यू एक्स टी यू एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलेरेशन होता है, ए से डिनोट करते हैं तो ए, एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ए एक्स, और फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो डैश, ए डैश ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स,
ऐसे y वाला लेंगे, डी यू वाई डैश इक्वल टू डी टी डैश इक्वल टू डी यू वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा ए वाई डैश इक्वल टू ए वाई। सिमिलरली मैं तीसरा डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखा रही हूं, ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड, ठीक है। तो मतलब एक्सलेशन, फ्रेम मूव कर रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्सलेशन दोनों फ्रेम में सेम ऑब्जर्व हो रहा है उस पॉइंट का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्सलेशन इज इनवेरिएंट, चेंज नहीं हो रहा है, एक्सलेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स है, ए वाई डैश इक्वल टू ए वाई है, ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सलेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो लिखिए देयरफॉर एक्सलेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैम एक बार रिवाइज, कहां से बताइए, मतलब लैंग्वेज रिपीट करनी है पूरा? हाँ मैम पूरा रिपीट कर। चलिए तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। देखो सामने सब कुछ लिखा हुआ है हमारे, हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा फ्रेम एस है वो रेस्ट में है, जो हमारा एस डैश है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पी पॉइंट है वो भी मूव कर रहा है यू डैश एंड यू वेलोसिटी से। यू डैश है हमारा यू एक्स डैश आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के। आप क्या कर सकते हो, इसको एक डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हो, तो बाकी कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने तीनों केस इसमें इंक्लूड कर दिए, u इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के। तो p पॉइंट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s एंड s डैश, इसके अंदर जैसे ट्रेन के ऊपर हीरो दौड़ने लगता है, ठीक है, जंप भी कर सकता है, फाइट होती है तो तीनों दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। ऐसा ही कुछ केस की हमारा जो पॉइंट पी है या पैसेंजर है वो भी हमारा मूव करने लग गया। तो हम क्या चाहते हैं, यू एक्स डैश और यू एक्स में, या कह लीजिए यू एक्स यू डैश और यू में रिलेशन चाहते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, वेलोसिटी में जो दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पैसेंजर की वेलोसिटी है उसमें रिलेशन चाह रहे हैं। ये जो वी वेलोसिटी है ये हमारी फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी है, और जो यू वेलोसिटी है यू हमारे पैसेंजर की वेलोसिटी है। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में, अदरवाइज गड़बड़ कर देते हो समझने में क्या बोल रही हूं मैं। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, ये जो हमारी यू वेलोसिटी है या यू डैश वेलोसिटी है वो पैसेंजर की या पी पॉइंट की वेलोसिटी है, जबकि जो वी वेलोसिटी है वो हमारे फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमें u और u डैश में रिलेशन चाहिए था, गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल चुके थे कि x डैश इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t होता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 को तो करना 4 करेंगे तो dt डैश इक्वल टू dt हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी आया। डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश वेलोसिटी हो गई पॉइंट की फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में, तो यू एक्स डैश लिख दिया, ठीक है, यू वेलोसिटी लेके चल रहे हैं क्योंकि पॉइंट की, और एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यू एक्स, और डैश के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो डैश। यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, इक्वेशन 5 आया। फिर हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया तो यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट किया तो यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड। हम इन तीनों इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेरिएशन है उस पैसेंजर की दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में, बाकी दोनों अदर जो दो डायरेक्शंस हैं उसमें हमें दोनों डायरेक्शन में वैल्यू सेम मिल रही है ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, चाहे ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर है चाहे ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर है, दोनों को जो वेलोसिटी है उस पॉइंट की या पैसेंजर की सेम दिख रही है, ठीक है। हमें एक्सलेशन चाहिए था तो हमने इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया वेलोसिटी को, एक्सलेशन क्या होता है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है दोबारा से एक बार।
तो डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी, तो हमारा एक्सलेशन आ गया ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स, ए वाई डैश इक्वल टू ए वाई, ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो हमें चेंज होती हुई दिख रही है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करने पे, बट एक्सलेशन हमारा सेम रहता है दोनों ऑब्जर्वर के लिए या दोनों फ्रेम के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सलेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कहा कि अभी हम लेके चल रहे थे कि वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, अगर तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो उस केस में तीनों कंपोनेंट हमें चेंज होके दिखाई देंगे। तो इन तीनों इक्वेशन में मैंने वो तीनों चेंज दिखाए। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंबाइंड करके। कंबाइंड करके कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से u dash equal to u minus v। इसके अंदर तीनों आ गए अब, ठीक है। ux dash का मतलब ux dash i plus uy dash j प्लस यू जेड डैश के इक्वल टू, यू का मतलब यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के, वी का मतलब वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। और जब हम किसी एक डायरेक्शन के कंपोनेंट को लेंगे तो उसी डायरेक्शन को क्या कहेंगे, आई आई को इक्वेट कर देते हैं, जे जे को इक्वेट कर देते हैं और के को इक्वेट कर देते हैं। तो सेम यही तीन इक्वेशन बनेंगी, है ना, इनको कंबाइन करके लिख दिया। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश इक्वल टू u माइनस vt, जिसके अंदर फिर से बता बोल रही हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके कल न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट परसों से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी वेलोसिटी किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। u डैश का मतलब क्या है, पॉइंट की वेलोसिटी या पैसेंजर की वेलोसिटी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मूविंग है, एस डैश हमारा मूविंग है उसके रिस्पेक्ट में। यू वेलोसिटी क्या है हमारी, पॉइंट की वेलोसिटी या पैसेंजर की वेलोसिटी स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यानी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। वी वेलोसिटी क्या है हमारी, मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल इसके न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल डिस्कस कर लेंगे। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर ली। हाँ बताइए विपुल। नो मैम कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्यूटोरियल शीट दूंगी, फिर इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स करिएगा और आगे फिर हम इसको जो भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी करते रहिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके गुड डे। थैंक यू मैम। वेलकम।